Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में राऊ आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट के बेसमेंट में शनिवार यानी 27 जुलाई को पानी भरने से 3 छात्रों की मौत का मामला गर्मा गया है। इस घटना के विरोध में करोल बाग मेट्रो स्टेशन के पास सैकड़ों की संख्या में छात्र जमा हुए हैं। इस घटना को लेकर छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा है और भारी संख्या में छात्र करोल बाग मेट्रो स्टेशन पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी ने ओल्ड राजेंद्र नगर में कम से कम 13 कोचिंग सेंटरों के बेसमेंट सील कर दिए हैं। दैनिक जागरण की टीम लगातार इस मामले पर रिपोर्ट कर रही है। इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर बेसमेंट में लाइब्रेरी बनाने की इजाज़त नहीं है तो कैसे लाइब्रेरी बनाई गई। जागरण टीम ने वहां स्थित कई लाइब्रेरी की जांच की और पाया कि राजेंद्र नगर में कई लाइब्रेरी ऐसी हैं जो बेसमेंट में बनाई गई हैं। लाइब्रेरी में ठीक से चलने तक की जगह नहीं है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये रीडिफाइन लाइब्रेरी है, करोल बाग में स्थित है, बेसमेंट में बनाई गई है। इसके बाद हमने स्टूडेंट से बात की, सुनिए उन्होंने क्या खुलासे किए। मैंने देखा है लाइब्रेरी, मैंने मेंस का टेस्ट सीरीज वगैरह देखा है। लाइब्रेरी काफ़ी अच्छी है। आप लाइब्रेरी पटेल नगर विजिट कीजिए, कृति नगर विजिट, राजेंद्र प्लेस विजिट कीजिए। बद से बदतर हालत है वहाँ लाइब्रेरी में। मतलब घुसने का रास्ता ही नहीं है, निकलने का रास्ता ही नहीं है। घुसने का रास्ता छोड़िए, निकलने का रास्ता नहीं आपको मिलेगा। सबसे मेन पॉइंट है ना सर, और 100 बैच की लाइब्रेरी है जिसमें आप पतले पैर नैरो लेन है घुसने के लिए। अगर कहीं आग लग जाए, कहीं कुछ भी हो जाए, पानी चले जाए, कैसे कोई निकलेगा। आप पटेल नगर नैरो लेन में है तो बहुत अच्छा रास्ता है। मतलब ये तो फ्रंट पे है तो इसलिए न्यूज में आ गया है भाई साहब, वर्ल्ड वाइड आप देख लीजिए। और पार्किंग जो है बेसमेंट है वो पार्किंग के लिए यूज होती है। और बेसमेंट में आने का रीजन है कि कॉस्ट इशू है, कि बेसमेंट में कॉस्ट कम रहता है इसलिए लाइब्रेरी को दे दिया जाता है, क्योंकि बच्चे डिमांड करते हैं। अगर फर्स्ट फ्लोर पर होगा तो बहुत ज्यादा कॉस्ट होगा, 2000 है, इजिली 4000 हो जाएगा, 5000 हो जाएगा, तो बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। इजिली बहुत हाई रेंट है यहाँ पे। लाइब्रेरी का भी कॉस्ट जोड़ लीजिए, खाने का भी रेंट जोड़ लीजिए, 40000 के पार चला जाएगा। ऑलरेडी 20000 का रेंट है और लाइब्रेरी का 2 से 3 हज़ार रेंट है। अगर ये फर्स्ट फ्लोर पे होगा, सेकंड फ्लोर पे होगा, समझिए डबल ऐड कर लीजिए उसमें। इसलिए बेसमेंट में होने का रीजन है। सबसे मेन पॉइंट है ना, यहाँ पे पुलिस की बूथ है, यहाँ पे महिला पुलिस रहती है और महिला ही का डेथ हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसका मतलब कोई था नहीं तब डेथ हुआ, और यहाँ पे हमेशा पुलिस रहती है। जैसे हम लोग यहाँ पे हाई एक्सपेंस इसीलिए है क्योंकि पुलिस हमेशा मौजूद रहती है। ये हो गया पटेल नगर हो गया, वहाँ पे भी रेंट बहुत है। तो हम लोग का घर से पैसा ही इसीलिए आता है जो अच्छे जगह हो, सेफ जगह हो। लेकिन यहाँ पे सेफ्टी कोई प्रमिसाइज है भी नहीं, सारे जो है वो ऐसे वहाँ पे आप वीडियोस जैसे लीक हुए हैं उनके, एक भी पुलिस अंदर में नहीं है, जबकि घटना बहुत बड़े मात्रा में हुई।